नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना 2024 कैसा रहेगा, क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या अच्छा होने वाला है, बुरा तो कुछ होने वाला है नहीं जो मैं इस वीडियो में बताऊं, लेकिन सावधानी ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप जून के माह में लाभ उठाना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करें, कौन कौन सी सावधानी रखें और क्या करें क्या ना करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मासिक राशिफल है, जून का पूरा महीना तत्व निचोड़ जो है वो इस वीडियो में देने वाले हैं। मई का महीना गुजरा और बड़ी खुशी हो रही है काफ़ी कन्या राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव होने लगा है, कुछ को लाभ प्राप्त हो चुका है। वीडियो में जो जो उपाय बताए हैं लोगों ने किए हैं, मुझसे संपर्क किया है, कमेंट किया है और मुझे कॉल करके पूछा भी है कि गुरुजी कैसे क्या उपाय करना है, मैंने सारी बातें उनको बताई हैं। इसी प्रकार से यदि आपके मन में ऐसी कोई शंका हो जिसका समाधान आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जरूर कराएं एक बार। ग्रहों के गोचर की स्थिति अलग होती है और आपके जन्म में के समय जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं वो भी बहुत बड़ा आधार होते हैं आपकी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने में। इसलिए यदि कुंडली का विश्लेषण भी कराना चाहते हैं वर्तमान ग्रहों की स्थिति के अनुसार तो जरूर जो है आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और वीडियो में ही ऐसे उपाय बता देते हैं जिन्हें करके विश्लेषण की भी जरूरत नहीं है, उपाय करें और लाभ लें। साथियों, कन्या राशि के जातक पिछले विगत बहुत दिनों से परेशान हैं, 10-12 सालों से, लेकिन बीच बीच में कुछ समय अच्छा आता है लेकिन वो समय बस इतना ही अच्छा आता है कि कुछ अच्छा हो नहीं पाता। लेकिन जून का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली जून को ही कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में बना हुआ अंगार योग जो आग लगा रहा था पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, वैवाहिक जीवन को विध्वंस कर रहा था, वो चीज जो है खत्म होने वाली है। यानी कि अंगार योग जो है 1 जून को समाप्त हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जून को मंगल और राहु की युति सप्तम भाव में बनी और मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 1 जून को मेष राशि में। मेष राशि में मंगल का यह परिवर्तन बहुत बड़ा महत्व रखता है। किस लिए? क्योंकि आपके रिश्तों में अब मजबूती आएगी, यहां तक कि वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स तक स्थिति पहुंची या एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करना, ऐसी स्थितियां पहुंची। लेकिन अब जून का महीना जैसे ही अंगार योग 1 तारीख को समाप्त होगा, मंगल और राहु की युति टूटेगी तो निश्चित मानकर चले राहत आपको प्राप्त होगी। समापन नहीं होने वाला क्योंकि यह तो पूरा 1.5 साल का है जिसमें अक्टूबर में लगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 6-7 महीने झेल चुके हैं और झेलना 1 साल बाकी है। इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी आपको क्योंकि सप्तम भाव का राहु आपको दाम्पत्य जीवन में कष्ट देने के लिए है, मतभेद देने के लिए है, भ्रम की स्थितियों को निर्माण करने के लिए है। लेकिन जून में अंगार योग की समाप्ति आपके रिश्तों में मजबूती देगी, आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है उसमें सफलता आपको देगा। पहली चीज जून के माह में यह होने वाली है, यानी कि सप्तम भाव आपका ठीक होने वाला है। वहीं 2 जून को बहुत बड़ी खुशखबरी है कन्या राशि के जातकों। आप पूछ रहे थे कि 1 मई हो गया, पूरा मई निकला जा रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। साथियों, 1 मई को जैसे ही
गुरुदेव ने प्रवेश किया 6 जून को, अस्त हो गए। 2 जून 2024 को गुरुदेव का उदय होने जा रहा है भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना, यानी कि जो इच्छा करियो मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, जो इच्छा आप मन में कर लेंगे गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि गुरु आपका जागने वाला है, और गुरु के जागृत होते ही आपका भाग्य जागना, क्योंकि भाग्य स्थान पर गुरु बैठे हैं, भाग्य का जागना सुनिश्चित है, सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है। साथ ही साथ घर परिवार में मांगलिक कार्य, लंबी यात्राएं और उन यात्राओं से फायदा जून के माह में कन्या राशि के जातक को निश्चित होगा। और एक चीज कहीं नोट कर लें, 5 और 6 जून को आपके भाग्य स्थान पर गुरु के साथ चंद्रमा गोचर करेंगे, और यह जो गोचर है गज केसरी योग बनाएगा आपके भाग्य स्थान पर। 5 और 6 जून को किया गया आपका सारा कार्य, तारीख नोट कर लो, बहुत फलशाली रहेगा, क्योंकि गज केसरी योग भाग्य स्थान पर आपके बनने जा रहा है, चंद्र और गुरु की युति होने जा रही है। कोई बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, किसी चीज का आरंभ करना चाहते हैं, इस योग पर करें, लाभ ही लाभ की स्थितियां आपके सामने बनेंगी। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जून का महीना, 2 जून के बाद बेफिक्र होकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए, लाभ की स्थितियां बनेंगी। लॉटरी से, इनाम से, पारितोषिक से, बहुत कुछ आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जून का महीना आपके लिए आया है। आपके सामने ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, यात्राएं लंबी और यात्राएं भी कैसी, इस टाइप की यात्राएं आपको होंगी जून में, कि आप जहां 10-15 सालों से, 12 सालों से गए नहीं है, उस स्थान पर भी आपको घूमने और फिरने और जाने और व्यापार करने और लाभ उठाने का मौका मिलेगा। जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है कन्या राशि के जातकों आपके लिए। वहीं अब तो जून के माह में गुरु का जैसे ही उदय होता है, लाभ ही लाभ की स्थितियां बनती हैं। वहीं आपकी राशि के स्वामी बुध जो लग्नेश है, यानी कि बलवान है, कर्म भाव पे आपके बैठे हैं, और लग्नेश का कर्म भाव से संबंध होना, और 14 जून को आपकी राशि के स्वामी का मिथुन राशि में प्रवेश होना बहुत महत्वपूर्ण है। लग्नेश कर्मेश का कर्म भाव, दसवें ही भाव में बैठना, अपनी ही राशि में बैठना, व्यापार में, कर्म क्षेत्र में, चूंकि कर्म का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, लाभ ही लाभ की स्थितियां बनेंगी, नौकरी की, जॉब की, जो भी सोचेंगे वो बनेगी। वही 12 जून को शुक्र भाग्येश कर्म भाव पे बैठ जाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया योग बनने वाला है 12 जून का, शुक्र जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वही आपका ये त्रिग्रही योग है साहब, त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग जो है वो मई माह में आपको लाभ दिया। ये त्रिग्रही योग, 3 ग्रहों की युति दशम भाव में, लाभ ही लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। कहीं पे अटका हुआ धन, पुराने मुकदमे, पुरानी कार्रवाइयां, पुराना, ये सबसे छुटकारा आपको प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में पद प्रमोशन होगा, बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है जून के माह में। निराश मत हो, जितना भी आपने कष्ट सहा, जितनी भी तकलीफ सही, जितना भी जीवन में उपद्रव हो गया आपके, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं, क्योंकि शनि भी आपका लाभ देने के लिए हैं। आपकी जो कुंडली जून माह की है वो ये समझ लीजिए कि 12 साल से जो तकलीफ आप झेलते चले आ रहे हैं, वो सारी तकलीफों को दूर करने की अवस्थाएं बनी हैं ग्रहों की आपके लिए। अब लाभ कैसे उठाना है इस चीज को पहले समझ लें। साथियों, दशम भाव पे आपके 14 जून को बुध अतिथि योग बनेगा,
और कर्म भाव पे बुद्ध अतिथि योग बनने का मतलब होता है कि आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीत सब कुछ हासिल कराना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य बुध शुक्र गुरु शनि राहु केतु सारे ग्रह आपको आपका साथ देने के लिए आए हैं, बस आपको उन ग्रहों से लाभ कैसे उठाना है इस बात को इस वीडियो में बोलकर वीडियो का अंत करेंगे, समापन करेंगे। साथियों ध्यान रहे, आपकी राशि के स्वामी है बुध और आपके आराध्य देव हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश। तो बुधवार को गणपति का पूजन जरूर करें, मोदक या गरी खोबरे का नैवेद्य जरूर दिखाएं जून के माह में जितने भी बुधवार पड़े, और बुधवार को नहाने के पानी में 4 बूंद गौमूत्र डालकर जरूर स्नान करें अगर सफल होना है। हरे मूंग की दाल मुट्ठी बंद करें और अपने सिर से बिना गिने हुए जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है यानी कि क्लॉक वाइज घुमाना है और गिनना नहीं है, वो घर के बाहर छोड़ देना है, छत पर नहीं डालना है, नहीं तो दोष सब वापस आ जाएंगे। मार्ग में फेंक दें, आप उसको मार्ग में डाल दें। और एक जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ, आपकी राश अगर कन्या है और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गले में 4 मुखी रुद्राक्ष सांप धारण कर लें। तमाम प्रकार के ग्रहों के दोष, तमाम प्रकार की मुसीबतों से, अपघात से, दुर्घटनाओं से 4 मुखी रुद्राक्ष कन्या राशि के जातकों आपको बचाता है। और अगर कुंडली का रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक होता है। बिना कुंडली के विश्लेषण के रत्न पहनने का मतलब मुसीबत मोल ले लेना। और विश्लेषण अगर कुंडली का ऐसे ही कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मुझसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, कॉल करें। क्या प्रोसीजर है कुंडली विश्लेषण का आपको वहां पर मैं बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।